हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। ईसीएल सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मरीज हमको ऑपरेशन के बाद पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लिगामेंट जो होते हैं उसका फूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लिगामेंट जो टिश्यू होता है वो कोलेजन का बना हुआ होता है, और हमारा जो फूड होता है वो लिगामेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प नहीं करता, लेकिन फिर भी सर्जरी के बाद या फिर इंजरी के बाद फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो किस तरह से हमको हेल्प करता है वो मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहूँगा। तो घुटने की इंजरी के बाद या फिर सर्जरी के बाद हमारे जो जॉइंट के मसल्स होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, पटेला के सराउंडिंग मसल्स, वो सारे काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और जकड़ जाता है। तो वो मसल्स जो कमज़ोर हो जाता है उसको जल्दी अगर आप स्ट्रांग बनाओगे तो आप बैक टू स्पोर्ट्स जल्दी आ पाओगे, आपकी रूटीन एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मसल्स को जल्दी ग्रो करने के लिए आपको प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, जैसे कि मूंग है, चने हैं, दाल, राजमा, सोयाबीन। अगर आप अंडे खाते हो तो अंडे में काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है जिसमें आपको प्रोटीन वाला खाना मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो जैसे मैंने आपको बताया, पल्सीस, ग्रेन्स और प्रोटीन वाला खाना आपको ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे आपके जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसकी रिकवरी फास्टर होगी। ऑपरेशन के बाद जो मरीज गलती करते हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा तो ज़्यादा टाइम मुझे वॉशरूम चल के जाना पड़ेगा। लेकिन पानी कम पीने से जो मसल्स होते हैं वो डिहाइड्रेट होने लगते हैं, मसल्स के फाइबर सिकुड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑपरेशन के बाद आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जैसे मसल्स हाइड्रेटेड रहे। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहते तो पानी के साथ साथ आप दूसरे फ्लूड्स जैसे कि नींबू पानी या फिर ऑरेंज जूस वगैरह जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रहती है वो आप पी सकते हो, जिससे भी मसल्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। आप नारियल पानी भी पी सकते हो, विटामिन सी वाले जूस, या फिर नारियल पानी में एंटी ऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट्स यानी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बॉडी और मसल्स को डैमेज करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, बॉडी में से निकाल देते हैं। तो ऐसे जूसेस और फ्लूड लेने से भी काफ़ी अच्छी रिकवरी मिलती है। ऑपरेशन के बाद अगर हमको लगे कि मरीज की हड्डी काफ़ी कमज़ोर थी, जो एसीएल लिगामेंट होता है वो हम दोनों हड्डी के साथ फिट करते हैं, अगर हड्डी ही कमज़ोर है तो लिगामेंट ठीक से जुड़ेगा नहीं, तो ऐसे केस में हम मरीज को कैल्शियम और विटामिन D3 वाला खाना लेने की एडवाइस देते हैं। विटामिन D3 हमको सनलाइट में से मिलता है, तो ऑपरेशन के बाद आपको हाथ और पांव की स्किन ओपन रख के सनलाइट में बैठना चाहिए, ताकि स्किन के ऊपर जब सनलाइट गिरे और उसमें से विटामिन D3 बने। विटामिन D3 से हमारी हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है और हड्डी मजबूत होती है। हड्डी अगर मजबूत होगी तो लिगामेंट उसमें फास्ट जुड़ेगा। और कैल्शियम वाला जो खाना होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिलता है, एनिमल फूड में से मिलता है। तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, चीज और मिल्क प्रोडक्ट्स और दही, छाछ वगैरह का यूज़ करना चाहिए। ये सारे फूड में भी कैल्शियम की मात्रा फिर भी काफ़ी कम रहती है। तो साथ साथ में हम कैल्शियम की टैबलेट्स, विटामिन D3 की टैबलेट्स, विटामिन B12 की टैबलेट्स, ये सारी टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि आपकी हड्डी काफ़ी मजबूत रहे। तो समरी इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक कोलेजन टिश्यू का बना होता है, और कोई भी खाना ऐसा नहीं है कि जो लिगामेंट को मजबूत बना के दे, लेकिन जो आजू बाजू के स्ट्रक्चर है जैसे कि हड्डी है, मसल्स है, उसको मजबूत करने के लिए हमको प्रोटीन वाला खाना, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन B12 और कैल्शियम वाला खाना आपको ज़्यादा लेना चाहिए। ये सब के साथ साथ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे और आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, या फिर नीचे हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ये चैनल पर दूसरे वीडियो है वो आप देखें जिसमें आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।